दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। मोहम्मद पैगंबर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद जहां भाजपा की केंद्र सरकार बैकफुट पर है, वहीं यूपी की प्रदेश सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। पत्थर भरकर हाथ ठेली को ले जाने वाले वीडियो ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों ने दंगे की प्लानिंग करते हुए टाइम और जगह पहले से ही तय कर रखी थी। दिन भले ही शुक्रवार का रहा हो, लेकिन यह बात जग जाहिर थी कि इस रोज देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व प्रदेश के CM योगी का वहां मूवमेंट था। आज 9 और लोगों की गिरफ्तारी के साथ अब तक इस मामले में 38 आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, लखनऊ पुलिस प्रशासन ने 40 उपद्रवों की फोटो समेत सूची जारी कर दी है। माना जा रहा है कि योगी सरकार में दूसरी मर्तबा ऐसी सूची जारी की गई है। इससे पूर्व नागरिक संशोधन कानून के दौरान तोड़फोड़ कर सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने वालों के पोस्टर भी चस्पा किए गए थे। हालांकि तब ये पोस्टर लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए थे। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी की। इस टिप्पणी को विवादित व आपत्तिजनक बताते हुए कतार समेत कई इस्लामिक मुल्कों ने इसका कड़ा विरोध दर्ज किया। वहीं कानपुर में बाजार बंद कराने को लेकर दोनों संप्रदायों के बीच पथराव व फायरिंग हुई, बमबाजी भी की गई। इसका असर यह हुआ कि भाजपा ने नुपुर को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन के कुछ देर बाद ही नुपुर ने हालांकि अपने बयान पर खेद जता दिया था। वहीं भाजपा ने कहा है कि भाजपा किसी भी धर्म के पूजनीयों का अपमान स्वीकार नहीं करती। भाजपा को ऐसा कोई भी विचार स्वीकार्य नहीं है जो किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बयान की भारत ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दो टूक कहा है कि उसका एजेंडा विभाजनकारी है। पाकिस्तान को अपने घर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फास्ट बाइट TV। नमस्कार।